क्या? मुतीन साहब का यहाँ क्या चलेगा? पूरे बिहार में चलेगा, पूरे बिहार में। कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ बिहार में चलेगा। नॉर्थ बिहार क्या, साउथ बिहार क्या? शहाबुद्दीन हर मुसलमान के दिल में बसते हैं, हर गरीब आवाम के दिल में बसते हैं, हर जो है दलित पिछड़े जाति के दिल में बसते हैं, चूंकि वो गरीबों के मसीहा थे। वही शहाबुद्दीन ना है जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो सिवान में डॉक्टर का फीस तय कर दिए थे कि गरीब गुरबा का इलाज आसानी से हो सके। उनके लिए कौन नहीं मरता है? सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, जितने गरीब गुरबा हैं हर समाज का, अगर सवर्ण समाज का भी गरीब है तो शहाबुद्दीन पर फिदा है, क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने किया है। और उनके फैमिली को नज़रअंदाज जब कर दिया, जब शहाबुद्दीन के फैमिली को आरजेडी जब नज़रअंदाज कर दिया, तो ये बाकी लोग जो झोला लेकर के घूम रहे हैं आरजेडी में, खास करके मुसलमान लोग जो मुसलमान के नेता बनते हैं, उनका क्या होगा? जब कार में मोहम्मद फारूक मुजफ्फरपुर के कुड़नी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी लगातार कुड़नी में जनसंपर्क कर रहे हैं। यहां पर एएमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, जो टारसन के सुमेरा के टारसन गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से सभा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों से भी जानना चाहेंगे और जिलाध्यक्ष से भी जानना चाहेंगे कि एएमआईएम की मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है। आपका स्वागत है न्यूज 24 बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप लोग गोपालगंज उपचुनाव लड़ के आ गए हैं, अब मुजफ्फरपुर में उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्थिति है, और हम लोग जो है कि कुढ़न्नी में काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, उनकी भी 2-3 सभाएँ होगी और काफ़ी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग महागठबंधन को चारों तरफ से हराने के लिए हर जगह पहुँच जा रहे हैं। देखिए ये तो बहुत पुरानी ये हो गई, अब हम लोग जो है कि किसी को हराने किसी को जिताने नहीं आ रहे हैं, हम लोग खुद जीतने के लिए आ रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। हमने बीजेपी को हराया है, हमने जो है कि आरजेडी को हराया, हमने जदयू को हराया, हमने कांग्रेस को हराया, भाई हम तो सबको हरा के आए हैं, और हमारा इतिहास है जो हम जो है कि अब शिवसेना को हराए हैं, तो सारी पार्टियों को हम लोग हरा के आ रहे हैं। जो ये जो जनता राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग हैं, जो आरजेडी वाले लोग हैं, वो लोग तो बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं, तब तो हमको आना पड़ रहा है। हम इस बार कुढ़नी में हराएंगे, सबको हरा के हम लोग जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। क्या लगता है कितना वोट यहाँ पे लाएंगे आप? पहले स्थान पे होंगे, दूसरे स्थान पे होंगे, क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा वोट पड़ने जा रहा है, हम लोग 50,000 से ऊपर वोट लाने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ की नौजवान तो एकदम जो है, नौजवान भी बुड्ढा भी, सारे के सारे लोग जो है एकदम चाह रहे हैं एमआईएम को यहाँ से जिताना है। गोपालगंज तो शुरुआत हुई थी, यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। यहाँ पे आप लोगों को समय मिला है चुनाव प्रचार के लिए, क्या यहाँ पे आएंगे असदुद्दीन ओवैसी? हाँ हम लोग कोशिश करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष को सारी बात जानकारी, हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम लोग जो है यहाँ पे जो हम 18% हैं, हमारे विधायक 10-12 जीत के जाते हैं, और जिनका 12% 13% है उसकी संख्या 13% होते हुए भी 60-65 विधायक बनाता है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग जो है 40-45 सीट जब हमारा हमको देगा तब गठबंधन करने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो है कुढ़नी में इतनी मजबूत आबादी है, काफ़ी संख्या में है, यहाँ हमारे अकलियत समाज का जो है कि 60,000 से ऊपर वोट, तो हम क्यों नहीं आ जीत सकते हैं? दलित समाज हमारे साथ है, पिछड़ा समाज हमारे साथ है, परिवर्तन चाह रही है, बदलाव का सोच है सब लोग का, इसलिए इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं। आप लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी भी हिस्सेदारी हो? आपके पास जो विधायक जीत रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, तो लड़ाई कैसे लड़िएगा? देखिए विधायक जीत, हमारे साथ तो विधायक थे ही, उसको तो लोभ लालच देकर ना भागा के ले गया जी। आप देखिए कि उनको क्या किया, उनको लेके गया, उनको मंत्री बना दिए, एक को सचेतक बना दिए, तो उनको तो लोभ लालच दे के भगा के ले गए। हमारे 5 विधायक थे, ठीक है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ का जो केडर है हम उन लोग को दे रहे हैं ताकि हमारा साथ दे, और अख्तरुल ईमान साहब अभी अकेला पड़ गए हैं, इसलिए मैं खास करके कुढ़नी के जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक हमको विधायक चुनकर दीजिए, ताकि जो है हमारे जो है मुर्तुजा साहब जाएं और अख्तरुल ईमान साहब के साथ उनका साथ दें, अकेला पड़ गए हैं। अख्तरुल ईमान साहब जो उर्दू के मसले पे वही बोलते हैं, मदरसे के मसले आता है तो वही बोलते हैं, गुलनाच के मसला आया तो वही बोल रहे थे, समस्तीपुर में सनौगर का मसला आया तो वही बोल रहे थे, बिहार के सारे मसले पर वही बोल रहे हैं। 8 साल के बच्चे को जेल में सिवान में डाल दिया जाता है तो वही उस बात को उठाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसको ट्वीट करते हैं, तो ये सारे मुस्लिम समाज का, दलित समाज का आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो एमआईएम है आज के डेट में, और एमआईएम को सब लोग चाह रहे हैं। क्या लाल तेजस्वी से नाराजगी है लालू से? नहीं ना ना, वो तो माने तेजस्वी से नाराजगी क्या, वो तो पिताजी हैं, पूरा उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, आज भी लूट खसोट है,
आज भी जो है जो पैसा देता है वो जो है सो राज्यसभा पहुंचता है। आज मुसलमान का वोट 18% लेते हैं और राज्यसभा जब भेजना हुआ तो अशफाक करीम को भेजे। अशफाक करीम चूँकि खड़पति आदमी है, मोटा माल लिए तो गए, अभी भी एक आदमी गए हैं तो राज्यसभा तो कौन गए हैं जो मोटा माल देने वाले लोग हैं। आम जनता से मुसलमानों में से ही अगर भेजना है तो आम जनता को भेजे। सौदेबाजी हो रही है तो सौदेबाजी होती है। सबसे पहले अपने परिवार को भेजते हैं, राज्यसभा भेजना था तो इनको उनकी बेटी जो है निशा भारती को भेजना होता है। राम जेठमलानी वोट देने के लिए आते हैं, राम जेठमलानी को भेजना होता है। आज जो फाउंडर हैं यहाँ के RJD के शहाबुद्दीन साहब, उनके परिवार की उनकी मैडम को, पत्नी को जो है हिना साहब मैडम को, उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा गया, उनको क्यों नहीं जो है विधान परिषद में भेजा गया, MLC बनाया गया। शहाबुद्दीन साहब का यहाँ पर भी मसला चलेगा? शहाबुद्दीन साहब का यहाँ क्या चलेगा, पूरे बिहार में चलेगा, पूरे बिहार में। कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ बिहार में चलेगा, नॉर्थ बिहार क्या, साउथ बिहार क्या, शहाबुद्दीन हर मुसलमान के दिल में बसते हैं, हर गरीब आवाम के दिल में बसते हैं, हर जो है दलित पिछड़े जाति के दिल में बसते हैं, चूँकि वो गरीबों के मसीहा थे। वही शहाबुद्दीन ना है जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो सिवान में डॉक्टर का फीस तय कर दिए थे कि गरीब गुरबा का इलाज आसानी से हो सके। उनके लिए कौन नहीं मरता है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, जितने गरीब गुरबा है हर समाज का, अगर सवर्ण समाज का भी गरीब है तो शहाबुद्दीन पर फिदा है, क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने किया है। और उनके फैमिली को नज़रअंदाज जब कर दिया, जब शहाबुद्दीन के फैमिली को RJD जब नज़रअंदाज कर दिया, तो ये बाकी लोग जो झोला लेकर के घूम रहे हैं RJD में, खास करके मुसलमान लोग जो मुसलमान के नेता बनते हैं, उनका क्या होगा जब शहाबुद्दीन के नहीं हुई RJD, तो ये छोट भैया नेता लोगों का होने वाला है क्या? अब मुसलमान इस चीज़ को समझ गया है, जितने भी लोग कुढ़नी में घूम रहे हैं ये RJD के लोग झोला लेकर के, खास करके मुस्लिम चेहरा घूम रहे हैं, वो ठीक है घूमते रहें, लेकिन आम आवाम उनको वोट देने नहीं जा रही है। आम आवाम अपने हक और हकूक के लिए जो मुस्लिम नेता घूम रहे हैं ये झोला लेके घूमते रहेंगे, झोला लेके घूमते रहेंगे, आवाम नहीं वोट देने वाली है उनको। IIM के बारे में मुसलमान जानता है कि 19 साल वहाँ औरंगाबाद में शिवसेना का वहाँ सांसद हुआ करता था, उसको इम्तियाज जलील ने हराया। वाह रे बी टीम, कैसा ये बी टीम है भाजपा का कि भाजपा ही को हरा रहा है, शिवसेना को ही हरा रहा है। ऐसा बी टीम है ओवैसी साहब जो 3 तलाक पर बोलते हैं, ऐसा बी टीम है जो NRC या CAA पर बोलते हैं, ऐसा ये बी टीम है जब हाजीपुर में गुलनाज के साथ मामला होता है तो ये दौड़ के जाता है। 5 विधायक था कहाँ का, पूर्वा सीमांचल का, और सीमांचल से हाजीपुर के मसला के लिए, समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुआ उसके मसला के लिए। RJD में भी तो मुस्लिम विधायक हैं, JDU में भी तो मुस्लिम विधायक हैं, ये लोग कहाँ कहाँ दौड़े हैं मुसलमानों के समस्या के लिए। लेकिन 5 विधायक जिसको हमने वोट नहीं दिया, वोट उसको सीमांचल में पड़ा, जीत के सीमांचल से आया, लेकिन हाजीपुर में अगर गुलनाज का मामला हुआ तो सबसे पहले जो हमारा अख्तरुद्दीमान साहब और उनके साथ जो उस टाइम के विधायक थे जिनको तोड़ा गया, वो लोग पहुँचे वहाँ पर, तो हर आवाज़ उठाए जो है MIM और BTM भी है। तो अगर वाकई में अगर ऐसा BTM हो तो 5-10 और BTM की जरूरत है हिंदुस्तान में, ओवैसी साहब के जैसा 5-10 और BTM हो जाए तो मुसलमानों के समस्या का समाधान हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात किया जाएगा कि उनका क्या सोच विचार है AMIM पर। AMIM अब मुजफ्फरपुर में भी दस्तक दे दी है, कुर्नी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, क्या लगता है कि यहाँ पर लोग AMIM को वोट करेंगे? नहीं, अच्छा बात है जो AMIM आई है और हम लोग खुशी खुशी से तन मन धन से सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। आपका नाम? मोहम्मद सुहैल अंसारी। और भी यहाँ पे लोग हैं, AMIM का दस्तक हो गया है, क्या लग रहा है कि अब जो मुसलमानों के मामले दबाए गए थे उनको उठाया जाएगा? इंशाल्लाह जरूर उठाया जाएगा। वोट मिलेगा कि नहीं? इंशाल्लाह जरूर वोट मिलेगा, हम लोग वोट देंगे। RJD को आप लोग छोड़ दीजिएगा? जी सर, हम MIF कर देंगे। आपका नाम? मोहम्मद अबुल्लास। RJD और JDU हमेशा से मुस्लिम हितौषी बताए जाते रहे हैं, क्या अब आप लोग RJD और JDU का छोड़िए दीजिएगा? लगभग 15-20 साल यहाँ कांग्रेस भी हुकूमत किया, 20 साल राजद भी किया, मुसलमानों को क्या मिला, सारे मुसलमान जान रहे हैं ना। मुसलमानों को RJD JDU सुरक्षित रखा बिहार में? आएगा सुरक्षित, किस बात का सुरक्षित, क्या मुसलमान डरता है क्या? ना आज ये बात कर रहे हैं सुरक्षित, किस बात की सुरक्षित? लोग कहते हैं कि RJD JDU बिहार में दंगे फसाद नहीं होने, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो वोट देते हैं RJD को कांग्रेस के पास सुरक्षित के लिए, किस बात का सुरक्षित भाई? जो अपना हक दीजिए ना, जो हमारा हक है वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? यहाँ तो मुसलमान आपसे हक मांग रहा था, आपसे दीजिए मुसलमान को हक। तो नेता विधायक तो बनाते ही हैं RJD और JDU के, कितना परसेंट बनाते हैं,
कहाँ उनका मर्तबा है? अभी भी सरकार में है, कैगो है, कैगो मुसलमान है मंत्री, एक दो तो नज़र आ रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं मुसलमान के लिए, क्या कर रहे हैं? वो भी एक दो भी है तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी दबे हुए हैं, वो भी तो दबे हुए हैं ना उनके अंदर, मतलब उसमें रह कर वो मुसलमानों की बात नहीं उठाते हैं। कैसे उठा ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, हम लोग लोकल है, हम लोग वोटर है, हर चीज़ हम लोग तो देख रहे हैं नज़र से, उनके पास तो पावर है लेकिन जमान नहीं जो बोल सकते हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। मुर्तजा अंसारी आप लोगों की बातों को उठाएंगे? एकदम उठाएंगे, ओवैसी साहब वहाँ उठा रहे हैं, यहाँ उठाएंगे, सारे लोग हैं, सारे पूरा जिला के लोग उठाएंगे, कैसे नहीं उठाएंगे मुसलमानों की बात? यानी कि अब जो मुसलमान है आरजेडी और जेडीयू का वोटर कहा जाता था अब नहीं रहेगा? हमें तो नहीं लगता ऐसा ही होने वाला है। ऐसा ही होने वाला है जी, और भी कुछ लोग हैं इनसे बात किया जाएगा। अब आप लोग आरजेडी और जेडीयू का वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप लोग उससे इतना नाराज हो गए? बस हम लोग ऐसी जब हम लोग का आदमी आ गया है तो हम लोग अपना आदमी को वोट देंगे। तो आपका जो आदमी आ गया वो कहा जाता है कि भाजपा का आदमी है? ना कौन नहीं, हम लोग तो नहीं कहते हैं। लोग कहता है ना? लोग ना कहता है, हम नहीं कहते हैं, कहने दीजिए कहने वाले को, अल्लाह बहुत बड़ा है। मतलब इस बार आप लोग AMIMA को वोट दीजिएगा? जी जरूर, उसी को देंगे हम लोग। आपका नाम? मोहम्मद निसार अहमद। आप अपना नाम नहीं बताए, क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात किया जाए, उधर से ही आप आते तो साफ साफ आता। तब आप लोग इस बार आपके यहाँ AMIM भी दस्तक दे दी है, क्या बदलाव होगा? नहीं, इनको मिले हैं AMIM को। जी पहले किसको आप लोग वोट करते थे? पहले करते थे वो इन लोग के लालू के ठग सब आता था, उन लोग ले जाते। इतना दिन से आप लोग वोट कर रहे हैं उनको, कर रहे हैं ठग, आ गए आप, नहीं ठगाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। ये लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को वोट देगा, हम लोग ठगा गए। यहाँ पे हैं चाचा जी, आरजेडी को वोट देगा आप लोग ठगा गए? आरजेडी के वोट देके ठगा गए, अब जो है ठगाने वाले हम लोग नहीं है, अपना जात बिरादर है, सारा दुनिया अपने जात बिरादर के लिए मरता है, हम कहे जाए दूसरे को वोट देके जो है फालतू में बदनाम भी हो और काम भी ना हो। सिर्फ मुसलमानों के वोट से मुर्तजा अंसारी जीत जाएंगे? हम उसे इंशाल्लाह जरूर जीत जाएंगे, यही अल्लाह पर उम्मीद है, जरूर जीत जाएंगे। आखिर आरजेडी से आप लोगों की आरजेडी और जेडीयू से नाराजगी? आज तक के वो कुछ नहीं किया, लोग के जो है ना बलबला के जो है रखते किया और जो है कुछ किया नहीं, मुसलमान सड़क नाला नाली कुछ नहीं, सारा कुछ, कुछ नहीं, कोई कामे नहीं हुआ। हम लोग खंडक में चलते हैं तो गिर जाते हैं, आता है सब ठक ठुक के अपना काम बनाता है। ये बिजली उजली जो खम्भे पे दिख रहा है ये सब नीतीश कुमार की देन है? अभी जो है ना इधर हाल फिलहाल इधर सुधरा है, उधर तो जो है ना साफे नहीं था, अब जो है ना थोड़ा जलता उलता है ठीक से, यही सब बात है, इसलिए नाराजगी है। हाँ नाराजगी है, इसलिए ये हम बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा इंशाल्लाह। ये AMIM जो है ना उनको उनकी जिताइए देना। आपका नाम? मोहम्मद हदीस। कौन सा गांव है? कारसन टाड़ा। कारसन टाड़ा, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं सुमायरा का टारसन, ये गांव है, यहाँ पर AMIM का बैठक होना था, यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत किया गया और उनके जिला अध्यक्ष भी, AMIM के जिला अध्यक्ष और उनके साथी सहयोगी लोग भी यहाँ पे था, और यहाँ के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार बदलाव हो जाएगी, अब हमारे नेता आ गए हैं, इसलिए अब हम लोग अपने नेताओं पर विश्वास जताएंगे और उन्हीं को वोट देंगे। न्यूज़ 44 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से मैं मोहम्मद फारूक।